देखो यार, तो धूप निकल रही है थोड़ी थोड़ी, निकलेगी निकलेगी थोड़ी देर। मैं जस्ट अभी डाल के आई हूँ कूड़ा। कूड़ा लेने वाले भैया आए थे तो मैंने डाला अभी जाके। किचन का काम कर दिया है ख़त्म, सब लोग चले गए हैं और बस लंच के लिए भी रोटी मैंने सेक दी है और बर्तन वर्तन भी कर दिए सब कुछ। मैं तो बहुत डैंड्रफ हुआ मेरे सर्दी ना। खैर अब तो विंटर जाने वाली हैं, अब मौसम ना ऐसा लग रहा है चेंज होने वाला है। सर्दियाँ जो है कम हो गई हैं थोड़ी पहले से, तो अब मेरा डैंड्रफ भी ख़त्म हो जाएगा। विंटर में ना मेरे हो ही जाता है डैंड्रफ, मैंने पिछली बार भी नोटिस किया था, पहले नहीं होता था बट लास्ट टाइम सर्दियों में नोटिस किया था मैंने तब भी हो गया था। और इस बार भी कुछ भी कर लो यार, कोई भी शैम्पू यूज़ कर लो, कुछ भी कर लो, ये नहीं जाता क्योंकि मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है। तो अब गर्मी आएंगे ना धीरे धीरे तो अपने आप ही चला जाएगा, ये फिर नहीं होगा। तो मेरा बस पोंछा रह गया, पोंछा लगा लेती हूँ, उसके बाद फिर जीनू का टाइम हो जाएगा, फिर उसको लेके आऊँगी। मशीन चला दी है, कपड़े धुल रहे हैं। ये स्वेटर मैंने कल वाले दोबारा से डाल लिया, आप लोग कहोगे ब्लैक स्वेटर में ही रहती है ये ना यार, बहुत कंफर्टेबल, मतलब लूज लूज है तो काम करने में ना सही लगता है। वैसे मैंने भी उतार दिया था, एक रील बनाई थी बट मैंने दोबारा डाल लिया, ठंड लग गई ना करे। जाती हुई सर्दियाँ जो है ना बहुत नुकसान दे जाती हैं। हमारी गली में इतने कबाड़ी वाले निकलते हैं ना, इतने कबाड़ी वाले निकलते हैं पूछो ही मत, मतलब पूरे दिन आवाज़ लगाते ही रहते हैं। खैर चलो काम निपटाते हैं और आपका वेलकम करना तो भूल गई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जीनिया ज्योति ब्लॉग। कैसे हो सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बढ़िया हो गए, मज़े में हो गए। मैंने बनाई है रील, एक टाइम देखो 4 बजने वाले हैं। जीनू को खिला पिला के खाना खा के, मतलब मैंने भी खा लिया, उसके बाद फिर मैंने सोचा रील बना लूँ, वो साड़ी पहनी फटाफट। और ये देखो, ये मुझे दिया था मम्मी ने, जो कि वो लाई थी बनारस से, लाई थी शायद, शायद वहीं से लाई थी, मेरे को याद नहीं आ रहा। तो दिया था, काफ़ी दिन हो गए इसको दिए हुए बट मैं पहनती नहीं हूँ। मेरे को ना गले में ना थोड़ा सा कम पसंद है, डेली वेयर में वैसे भी टाइम ही नहीं मिलता है, ऐसी फटाफट रील बना लेती हूँ। इयर रिंग मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं कंपैरेटिवली गले का किसी सेट के, मुझे इयर रिंग ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इयर रिंग बदल बदल के पहनने का मेरा शौक़ है। चलो यार रील बन चुकी है, आप इंस्टाग्राम पे जाके और फॉलो कर लेना, नहीं किया है तो ज्योति 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 शुक्ला नाम से मेरी हैंडल आईडी है इंस्टाग्राम पे, तो वहाँ पे जाके ना मुझे फॉलो कर लेना। जी मैडम बाहर टीवी देख रही हूँ, उसको बुलाती हूँ, थोड़ी देर लेट आती हूँ और मैं अभी कर लेती हूँ चेंज, फिर थोड़ी देर में ना चाय का टाइम हो जाएगा तो चाय वाय बनाएंगे। देखो देखो मैडम लगी रहती है टीवी में ही, देखो। तो कॉफ़ी बना के देती हूँ मम्मी को, अभी चाय बनाऊंगी बाद में, दूध रख देती हूँ। दूध मैंने बॉईल कर लिया था, ख़त्म हो गया तो इसलिए उसको उबाल के रखा है। मेरे हेयर कितने सारे आ गए देखो, बहुत टाइम से वैक्सिंग वगैरह कुछ भी नहीं करी है सर्दियों में यार हिम्मत ही नहीं होती करने की, और ऊपर से फुल बाजू के पहनने होते हैं कपड़े, इतनी ज़रूरत होती नहीं है तो फिर मैं करती नहीं हूँ। गर्मियों में तो ज़रूरत पड़ती है क्योंकि दिखते हैं हाथ, बट सर्दियों में हाथ ही नहीं दिखते तो इसलिए ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। देखो मेरी वैसे भी ना ग्रोथ बहुत है। चलो ये दूध हो गया ठंडा, इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में। बेटू चलो अंदर, फ्रिज भी साफ करने को गया, चलो इसे किसी दिन करूँगी साफ। जीनू चलो अंदर लेट जाना बेटा, चलो मेरा मेरा बेटा मेरा पोतू। होमवर्क भी कर लो, अच्छा होमवर्क कर लो, चलो फिर एक एक होमवर्क मिला वो कर ले। मेरा तोतू बहुत अच्छा है, बात मानता है मम्मा की। वो आज इन्होंने चीज भी नहीं ली कुछ स्कूल से आते टाइम, है ना। और उसके बाद यार चेंज वगैरह करके मैंने बनाई दाल की पकौड़ियाँ। दाल रखी हुई थी ये पीसी हुई, इसमें बेसन वगैरह मिला के और फिर यहाँ पे पकौड़ी सेक ली थी, तो नाश्ता हो गया था चाय के साथ में। और उसके बाद में मैंने की खाने की तैयारी, दाल वगैरह सब कुछ बना के, और फिर हस्बैंड और मैं चले जाते हैं ना वॉक पे, थोड़ा सा वॉक करके आ जाते हैं, जितना हो पाता है उतना कर लेते हैं 3 किलोमीटर या 2 किलोमीटर जितना हो पाता है उतना करके। फिर आने के बाद जो है मैं रोटी सेक देती हूँ, गर्मा गर्म सबको खिला देते हैं। तो अभी मैंने भोग लगवाया था गोपाल जी का, भोग लग के आ चुका था, उसके बाद फिर मैं सबको मिक्स कर देती हूँ भोग को। आज मैंने बनाई है यार घिया की दाल,
तो वही सब अब खाना लगा रही हूँ मैं पापा जी के लिए, गर्म गर्म रोटियाँ सेक रही हूँ उनके लिए, मुलायम रोटी सेकनी होती है और सबकी अलग अलग पसंद है, मम्मी को थोड़ी करारी रोटी पसंद है, तो सबकी चॉइस जो है अलग अलग है। और जो सेकने वाला बंदा होता है वो तो कैसे भी खा लेता है क्योंकि थकान हो जाती है इतनी, तो जैसा मिल जाता है वैसे ही खा लेता है। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी थाली पापा जी के लिए, भूख तो लग गया था, पापा जी के लगा रही थी, और दूध वगैरह सब कुछ बॉयल हो चुका था। सलाद में आज मैंने खीरे और गाजर काटी थी, हमेशा अलग अलग होता है, कभी प्याज का मन करता है, कभी नहीं काटती हूँ, कभी काट लेती हूँ मैं सलाद में। तो उसके बाद फिर खाना पीना सब कुछ किया, और वही रात का जो होता है रूटीन सबका वही मेरा है। खाना करने के बाद फिर मैंने किए बर्तन वगैरह और किचन क्लीन करी, और मैंने भी खाया खाना, जीनू को खिलाया अपने साथ में। तो बस जीनू आजकल खा लेती है साथ में, मतलब उसका दाल वगैरह ना अब अच्छी लगने लगी है, जब छोटी थी जब वो नहीं खाती थी इतना रोटी वगैरह दाल से, बट अब वो सब कुछ खा लेती है तो अच्छा लगता है, बच्चा सब कुछ खाने लग जाता है ना। तो अब तो नखरे नहीं दिखाती है, बीच में करने लग गई थी बट अब बिल्कुल नखरे नहीं दिखाती है वो, ऊपर से कहती है कि मम्मा खाना जल्दी ले आओ। तो अच्छा लगता है, बच्चे का पेट भर जाता है ना तो माँ को बड़ा सुकून मिलता है। उसके बाद यार सिंक वगैरह तो डेली का ही रूटीन है, ये तो डेली ही करती हूँ मैं सिंक को क्लीन, और उसके बाद बर्तन वर्तन लगाए और देन हो गई सुबह। सो के उठे तो सुबह के टाइम फिर से किचन में आ गए, किचन से तो हमारा पुराना रिश्ता लेडीज़ का है ना, आधा टाइम जो हमारा किचन में ही निकलता है, तो ये हमारा घर होता है किचन जो है ना, ये हमारा बेस्ट प्लेस होता है। और हेयर वॉश करके ना सीधा किचन में आई थी मैं, क्योंकि जीनू को फटाफट से भेजना था स्कूल, उसको भी रेडी करना था, तो मैंने कहा पहले सेक देती हूँ, उसके बाद जीनू को उठाना है और फिर उसको तैयार करना है नहला धुला के, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है, बच्चे मॉर्निंग उठने बहुत दिक्कत करते हैं ना, तो परेशानी होती है बट उठ जाती है, जैसे तैसे रो धो के ब्रश करती है, नहाती है, उसके बाद फिर तैयार होती है। तो अभी देखो मेरे को बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है क्योंकि किचन में लगी पड़ी हूँ ना, और जब ध्यान इधर उधर होता है ना तो वैसे भी ठंड का तो ध्यान ही नहीं रहता है सुबह के टाइम पे ना, भागम भाग सी होती है, तो इसलिए ना गर्मी सी वैसी शरीर में आ जाती है। उसके बाद फिर मैंने स्वेटर डाल लिया था, बाल वाल अपने पहुँचे थे और सब लोग चले गए थे ऑफिस, मैंने फिर क्लीनिंग करी अपनी, झाड़ू पोछा वही जो है डेली का, वो करने के बाद फ्लावर दिख गए थे, ये फ्लावर जो है गंदे हो गए थे काफ़ी, मैंने काफ़ी टाइम से ना ये धोए नहीं थे, ड्रेसिंग टेबल के पास रहते ना तो इनमें एक आध बाल भी चला जाता है, तो धोते टाइम वही बस मैंने इसको क्लीन करी थी, देख रही थी, तो वो मैंने धो के रखी। और आज यार देखो बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, मतलब मौसम का ना पता ही नहीं चल रहा है, कभी तो धूप होती है, कभी बिल्कुल नहीं निकलती है, कभी बारिश हो जाती है, तो बस क्या ही बोलें, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए मौसम का ना। तो देखा था मैंने बाहर जाके, तो मशीन में भी खैर कपड़े धुल रहे हैं, तो कपड़े तो सुखाने हैं, सूख जाएंगे तो देखा जाएगा, अंदर आके फिर मैंने शीट वगैरह बिछा रही हूँ मैं, यहाँ पे सूख गया था, फ़ैन चला देती हूँ मैं आजकल, पंखा चलाती हूँ, पोछा लगाती हूँ ना तो पंखा चला देती हूँ, क्योंकि सूखता नहीं है बिना फ़ैन के ना, फर्श पे पानी जो है चाहे कितना भी सूखा पोछा लगाओ सूखने बड़ा टाइम लगाता है, क्योंकि ठंड का टाइम वैसी है तो फर्श पे जो पानी सूखता ही नहीं है, तो इसलिए फ़ैन चलाना ज़रूरी हो जाता है। तो दोनों साइड फ़ैन चला के मैं सुखा देती हूँ, जल्दी सूख जाता है, देन मैट वगैरह बिछाए और बस अब मैं जीनू को लेने के लिए जाऊँगी, तो फटाफट से ना तैयार होते हैं, बाल जो है धोए थे आज तो कॉम भी नहीं किया, तो इनको कॉम करते हैं और थोड़ा सा स्वेटर वगैरह डालते हैं सही से, और फिर जीनू को लेने जाते हैं। और अगर यार यहाँ तक ब्लॉग देख लिया तो प्लीज़ लाइक कर देना, और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना चैनल को। और आज मुझे ना थ्रेडिंग भी बनवानी थी, तो मैं जल्दी ही निकल रही हूँ क्योंकि पहले बनवा लूँगी उसके बाद ही फिर जीनू को लाऊँगी, क्योंकि वैसे यार निकलना हो नहीं पाता है, बस ये थोड़ा सा बहाना लग जाता तो निकल जाती हूँ, नहीं तो मैं निकल ही नहीं पाती, फिर आलस आ जाता ना घर में पहुँचने के बाद, फिर नहीं जाना हो पाता, तो मैं सोचा पहले करवा लेती हूँ उसके बाद ही उसको लेके फिर सीधा घर निकलूँगी, क्योंकि फिर वेट करना पड़ता है उसको भी। तो यार मैंने धोए थे आज ये फ्लावर, जिनका पानी जो है निकल गया है, इनको अंदर लगा देती हूँ। आज ना यार बिल्कुल भी धूप नहीं निकली है, देखो ठंडा मौसम हो गया आज बहुत, मतलब एक दो दिन से तो ऐसा लग रहा था कि ना कि ठंड जो है कम होने वाली है, कम हो रही है, बट नहीं भाई आज तो मौसम ने करवट ले ली, ठंड लग रही है आज तो। जीनू भाग गई नीचे, टीवी देख रही थी मैडम, और टीवी देखते देखते चली गई नीचे, अब इसको बुलाना पड़ेगा ऊपर।
कपड़े भी डाल तो दिए हैं बट मुझे नहीं लगता आज वैसे भी नहीं सूख रहे थे एक दो दिन से, आज तो बिल्कुल ही कपड़े नहीं सूखेंगे, आज तो मौसम और बेकार हो गया। जीनू को लाके फिर खाना वगैरह खाया और बस यार कुछ नहीं, ठंड लग रही है ऐसे ना कप कप ही छोड़ती है, मेरे को ठंड लगती है ना तो कप कप ही छोड़ती है मेरी तो बहुत। चलो ये लगा देते हैं इसको, बहुत गंदे फ्लावर हो गए थे। 10-10 के ही खिलाना भाई, बारिश हो गई तेज। मोटे मोटे लम्बू लगाई भाई, लगाई यार तो यार हुआ क्या ना कि हस्बैंड आए थे ऑफिस से, और ऑफिस से आने के बाद इनको छोटा मोटा कुछ खाने को चाहिए होता है, तो इन्होंने कहा चलो गोलगप्पे खा के आते हैं। और हम जैसे ही बाहर आए ना वैसे ही बारिश जो एकदम से स्टार्ट हुई है, मोटी मोटी बूंदें, और फिर बंद भी हो गई थी बाद में एकदम से, पता नहीं क्या हुआ था। तो हम लोगों ने खाई टिक्की और गोलगप्पे, और मम्मी जी के लिए पैक कराया, जिन्हों के लिए लेके आ गए थे घर पर, इन लोगों ने घर पर खाए थे। आने के बाद मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। कभी कभी ना यार मैं ना दूध के बर्तन में आटा गूंथ लेती हूँ, तो इससे क्या होता है कि जो भी चिपकी हुई मलाई रहती है ना साइड में दूध के बर्तन में हो ही जाती है, तो वो ना आटे में पूरी अच्छी तरीके से साफ भी हो जाती है, और आटा ही बहुत अच्छा सा गूंथ के तैयार हो जाता है, बहुत सॉफ्ट आटा गूंथता है, तो इससे ना मलाई की मतलब वेस्ट भी नहीं होती कुछ भी, और आटा भी अपना बढ़िया से तैयार हो जाता है। तो कई बार मैं ऐसे करके ना गूंथ लेती हूँ आटा, ज़्यादा आटा तो नहीं गूंथ पाता इसमें, बर्तन छोटा है, बट जिनका भगोना वगैरह होता है ना उसमें आटा सही से गूंथ जाएगा, तो इससे क्या होता है हमारी मलाई भी क्लीन हो जाती है जो साइड में लगी रह जाती है, और बढ़िया से आटा तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ आज टमाटर भरवा टमाटर, और दाल बन चुकी है, धुली उड़द की दाल बनाई है, और हमारे यहाँ ना धुली उड़द की दाल के साथ इन सबको ना चावल बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे को अब ठीक लगने लग गए, बट पहले मेरे को बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते थे एक्चुअली, मुझे याली दाल ही बहुत कम पसंद है उड़द वगैरह की, तो बट अब मैं खाने लगी हूँ सब चीज़ खाने लगी हूँ। तो ये देखो दाल तैयार हो गई है, हींग जीरे का तड़का लगा दिया था नॉर्मल, और बस टमाटर ये तैयार ही थोड़े दिन में, और चावल भी हमारे तैयार हो जाएंगे, तो खाना पूरा रेडी है। और यहाँ पर कट कर लेते हैं सैलेड, जीनू ना अपना होमवर्क करती है ना यार जब भी, तो मेरे को जरूर दिखाती है, तो बाबा किचन में आ रही थी क्योंकि मेरे को यार टाइम नहीं था, मैंने कहा बेटा यहीं दिखा दो अगर दिखाना है तो बार बार जो भी बुक का काम हो रहा था ना यहीं लेके आ रही थी, तो बस उसका होमवर्क जो है कंप्लीट कराना था। ये सब देख के ना मुझे अपने बचपन की याद आ जाती है, मतलब मेरी मम्मी मुझे ऐसे ही पढ़ाती थी, खाना बनाती जा रही हैं और साइड में पढ़ाती भी जा रही हैं, हम लोगों ने यार बहुत वो करी है, मतलब एक्सक्यूज़ेस होता है ना बहुत देते थे पढ़ाई के टाइम पे कि मम्मा वॉशरूम जाना है, कहीं भूख लगी है, मैं तो बहुत ज़्यादा देती थी, तो बट अब ये सब कुछ याद आता है ना तो अच्छा लगता है, वही मेरे को जीनू में दिखता है अब कि मम्मी भी माँ जो होती है कितना स्ट्रगल करती है ना, मतलब काम भी करना होता है, मतलब हर चीज़ देखनी होती है एक माँ को ना, परिवार को लेके चलना होता है और फिर बच्चे का ध्यान भी रखना होता है, तो बहुत मुश्किल होता है, ये बाद में समझ में आता है जब हम खुद माँ बन जाते हैं ना तब ये बहुत अच्छे समझ में आता है, पहले तो हम यार लड़कपन में रहते हैं करना है नहीं करना है मना कर दो, बट जिम्मेदारी जब आती है ना तो सब हो जाता है। तो बस यहाँ पे खाना भी यार तैयार है, उसके बाद मैं रोटी वगैरह सेकूँगी, और यहाँ लगा रही हूँ मैं खाना, दूध बच गया था निकलने से, जब दूध बच जाता है ना मेरे को बहुत खुशी होती है, वरना कई बार एकदम से उफन के आता है ना तो पता ही नहीं चलता दूध का, तो यार ऐसा होता ना जब देखते रहो तब तो नहीं निकलेगा, जैसी नज़र इधर हुई ना वैसे निकल जाता। तो मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए कान्हा जी का, और ब्लॉग का एंड भी करते हैं, आपसे मिलते हैं कल, बाय बाय, टेक केयर।